आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है और ये सभी के लिए है, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि खाली गर्ल्स कर सकती हैं या फिर वुमेन्स कर सकती हैं, क्योंकि सुंदरता की चाह सबको होती है, चाहे वो फिर लड़के हो चाहे फिर लड़कियां हों। तो मैं जो आज चीज़ें बताने वाली हूँ, जो भी लोग चाहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी बनी रहे, एक तो होता है कि भगवान ने जैसा दिया है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही है, उसको लेकिन हम बरकरार कैसे रख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कम उम्र में ही बड़ी एज के लगने लगते हैं, तो उस चीज़ों को हम अपना नेचुरल कर सकते हैं अगर मैं जो टिप्स बताऊंगी अगर आप उसको करते हैं तो। और एक होता है हम लोग बहुत महंगी महंगी क्रीम लेकर चेहरे पे लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो कुछ देर के लिए तो आप अच्छे दिख सकते हो बट वो हमेशा के लिए ग्लो नहीं रहता है। फिर ये होता है बाहर से मेकअप तो अच्छा है पर अंदर से अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर वो चेहरा भी सुंदर नहीं दिखता है। तो जो आज चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको अंदर से तो ग्लो करेगी ही, सफाई करेगी ही, तो चेहरे पे नेचुरल ब्यूटी अपने आप आएगी। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप चेहरे पर लगाते हो, मतलब फेस, जैसे हम फेशियल कराते हैं ना, वो पूछती है सामने वाली कौन सी क्रीम से आपको फेशियल करवाना है, तो आप जो भी घर में जो भी चीज़ चेहरे में लगाते हो, चाहे आप फेयर एंड लवली लगाते हो चाहे फिर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो, क्रीम लगाते हो, उस चीज़ से आप इसकी मसाज करोगे। आप यहाँ पे बेस्ट होगा अगर आप ऑलमंड ऑयल लेते हो या फिर ऑलिव ऑयल लेते हो तो बेस्ट रहेगा। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ, इसको आपको अपने अंगूठे के टिप में 3 से 4 बूंदे जो भी चीज़ें आपको लेते हो चेहरे पे आप वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये दूसरे हाथ के अंगूठे से इसको इस प्रकार से रब करेंगे, ऐसे आप 2 से 3 मिनट के लिए मसाज कीजिए, हल्का हल्का प्रेशर भी देंगे। ये हमारा फेस का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार। आप इसको अभी से करना शुरू कर दीजिए, फेस्टिवल टाइम आ रहा है, और इसको आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे हम चेहरे की हमेशा देखभाल करते हैं ना, कि कोई सीरम लगाते हैं, फेशियल करवाते हैं, घर पे भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उपटन लगाते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कितने दिन करना है, इसको आपको हमेशा करना है, क्योंकि हमेशा ही हमें अच्छा दिखना है, नेचुरल ब्यूटी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चेहरे पर पानी नहीं है, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रेस करना है। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, जिनके भी चेहरे पर बहुत रूखा सूखा रहता है, बोलते हैं ना बहुत चेहरा बेजान सा दिखता है, उससे इनको ग्लो मिलने लग जाएगा। जिनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने हैं, ब्लेमिशेज है, आँखों के नीचे कालापन है, डार्क सर्कल है, वो सब इससे आपका हट जाएगा। तो आप इस प्रकार से दूसरे थंब से पहले थंब की मसाज कीजिए। डबल चिन है जिनको, वो इस एरिए पे प्रेशर दीजिए। एक तरह से हम अपने फेस का फेशियल कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली इफेक्ट ही इफेक्ट होगा आपको। और दूसरे हाथ में भी हम ये जो अंगूठा है अब इसको प्रेशर देंगे। पहले हमने ऐसे कर लिया, उसके बाद दूसरे हाथ से मैं आपको पास से दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर करना है। ये दोनों हमारे चिन्ह हो जाते हैं, ये हमारा फॉरहेड हो जाता है, जिनके फॉरहेड में बहुत रिंकल होते हैं, माथे पे चेहरे पे रिंकल्स है, ये रिंकल फ्री स्किन आपकी बनाएगा फेस को। और इस प्रकार से प्रेशर दीजिए, इसमें आप 2 से 3 मिनट आराम से लगा सकते हो, क्योंकि जब हम पार्लर जाते हैं कितने घंटे हमको लगते हैं, वेट करना पड़ता है, फिर बहुत सारी वो चीज़ें होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पार्लर आपको नहीं जाना है, आपकी इच्छा है वो चाहिए, बट आप घर रह के कम बजट में, मतलब खर्चे बिल्कुल नहीं है और आपको नेचुरल ब्यूटी मिलती है इससे आपको, और इसको आप लंबे समय तक जब करेंगे आपको बहुत इसके फायदे होंगे। तो जिनकी आंखों में भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा एरिया आ जाता है जब हम मसाज करवाते हैं अपने चेहरे की। तो आप इस प्रकार प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, काम डाउन लगेगा आपको, पीस ऑफ माइंड लगेगा। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास में ये एक्यूप्रेशर की रिंग है ना, तो आप ये ऊपर वाले हिस्से में इस प्रकार से एक्यूप्रेशर की रिंग 1 मिनट के लिए चला लें। तो ये दूसरा स्टेप हो गया।
जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारा फेस का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, सेम हमारे इच फिंगर्स पे ये पॉइंट आते हैं, सभी फिंगर्स के टिप में भी हमारे फेस के पॉइंट होते हैं। तो आप अब एक साथ कैसे कर सकते हो, आप एक एक बूंद सभी में जो ऑयल आप लगाते हो, क्रीम लगाते हो, जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे टैप टैप करना है, इसको आप 100 बार कीजिएगा अच्छे से प्रेशर देते हुए। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पूरे फेस का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं, एक साथ में हो रहे हैं पूरे। तो एक तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दूसरा है सभी फिंगर्स के टॉप को 1 मिनट के लिए प्रेस कीजिए। आप एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें आपको बता रही हूँ, जो कम उम्र में आप बड़ी एज के लगने लगते हैं तो ये आप जरूर कीजिएगा, और 3 महीने में इसका रिजल्ट देखिएगा, और उसके बाद कंटिन्यू आपको करना ही है। तो सभी फिंगर्स के टिप में हम इस प्रकार से प्रेशर, ये दूसरा तरीका हुआ, पहला तरीका मैंने ऐसे आपको बताया, दूसरा आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। इससे आपके ब्रेन के पॉइंट भी स्टिमुलेट होते हैं, आपका कंसंट्रेशन फोकस भी बढ़ता है, ब्यूटी तो बढ़ेगी, तो बोलते हैं ना ब्यूटी विथ ब्रेन, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ऑयल लगाया था तो पहले इसको हम पोंछ लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक कलर लगा के बता रही, जैसे फेस पे एक लगाते हैं ना हम चेहरे पे, तो आपको क्या करना है, वो जैसे पहला स्टेप दूसरा स्टेप सेम आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद में आपको ब्लैक कलर लेना है, और अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये इस जगह पे आपको ये ब्लैक कलर लगा लेना है, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं चारकोल फेस पैक, तो सिंपल स्केच पेन आप लेंगे कोई सा भी, तो देखिए हमने यहाँ लगा दिया। आप इसको थोड़ा आगे तक भी ऐसे लेके जा सकते हो। इससे जिनको भी दाने हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, वो क्लीन होंगे, क्लियर होंगे, और जो जिनके नहीं हैं, तो आप अगर लगा रहे हो ये, तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होंगे। सेम आपको ये दूसरे थंब में भी लगाना है। इसको आपको दिन के टाइम लगाना है ना, डे टाइम पे कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, 4 से 6 घंटे आप इसको रोज लगाइए। आप इसको कुछ दिन लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपके आंखों के नीचे जो कालापन है वो सब भी दूर होगा, रिंकल जो है बहुत अर्ली एज में रिंकल्स आ गए हैं वो भी आपकी फिनिश होगी। तो मसाज करेंगे पहले, एक्यूप्रेशर की रिंग चलाएंगे, उसके बाद मैंने ये बताया आपको, फिर ये साथ में पानी आपको काफ़ी पीना है, ये बात ध्यान रखिएगा, 3 से 4 लीटर आपको पानी लेना है। आपको स्लीप अच्छी लेनी है, देखो जो बेसिक चीज़ है वो तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि हम वो अनबन खा रहे हैं कुछ बाहर का और पेट खराब हो रहा है और चेहरे में दाने, तो वो ऑब्वियसली आएंगे। अगर सब ध्यान रखते हुए भी आपको प्रॉब्लम है चेहरे की, तो आप ये जरूर कीजिएगा, ये नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखेगा आपकी। और जब आप 30, 35, 40 के भी होगे तो आपका एज वो दिखेगा नहीं कि आप इतने एज के हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, बेसिक जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कीजिएगा। अब मैं आपको 3 योग मुद्रा थेरेपी बता रही हूँ, जिसको आपको रोज करना है, और बहुत ही पावरफुल ये योग मुद्रा थेरेपी है। योग मुद्रा थेरेपी 5 तत्वों पर निर्भर है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व बैलेंस जब नहीं होता है, इम्बैलेंस रहता है, तो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और जो चेहरे में प्रॉब्लम होती है, अनचाहे बाल होते हैं, दाने होते हैं, वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है। तो योग मुद्रा थेरेपी के जरिए हम 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं और रोगों को जड़ से खत्म करते हैं। तो आज की जो मैं हस्तयोग मुद्रा थेरेपी बताऊंगी वो फेस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि पानी की कमी के कारण भी चेहरे में प्रॉब्लम आती है, या फिर पेट खराब है उसके कारण भी, तो ऑल ओवर आपको ये सभी चीज़ों में काम करेगा फेस के, ठीक है। 5 तत्व हमारे 5ों ही फिंगर्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये अंगूठा हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को, मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, और ये वाटर एलिमेंट जल तत्व को, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। देखिए 5ों तत्व हमारे फिंगर्स पे आते हैं। तो जो हमारी पहली मुद्रा है बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप इसको रोज 15 मिनट कर लेते हो तो 50% प्रॉब्लम आपकी दूर होने लग जाएगी।
लेकिन मुद्रा थेरेपी करते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पेशेंस होना चाहिए और फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन बनाया बस बंद कर दिया कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको आप प्रॉपर लंबे समय तक बनाओगे क्योंकि प्रॉब्लम भी उतनी क्रॉनिक है। तो ये पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम है आपको फेस की तो आप इसको 45 मिनट तक लेके जा सकते हैं, 15 मिनट दिन में 3 बार। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है, खाली पेट और भी अच्छा होता है। तो आपको मुद्रा थेरेपी में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली मुद्रा है हमारी अपान मुद्रा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आकाश तत्व है और पृथ्वी तत्व है इसको अग्नि तत्व से इस प्रकार से टच कर देंगे। ये देखिए ध्यान से, आपको ऐसे नहीं बनानी है, आपको इस प्रकार से फिंगर रखनी है और ये आपको दोनों ही हाथों से बनानी है, ठीक है। और इसको कैसे बनाना है, आप एक यौगिक आसन लेके, माना वज्रासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के कमर गर्दन आपकी सीधी होगी और रिलैक्स होके बहुत शांति से आपको इसका अभ्यास करना है। दूसरी मुद्रा है हमारी, वो है प्राण मुद्रा। प्राण शक्ति को बढ़ाएगी आपकी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेगी, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं होता है तो हमें चेहरे में निखार नहीं आता है। इसके लिए क्या करना है आपको, आपके रिंग फिंगर जो आपका पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है ये अग्नि तत्व के संपर्क में आएगा इस प्रकार से, और ये दूसरे हाथ से भी हम ऐसे बना लिए। मुद्रा थेरेपी के पहले आप एक ग्लास पानी पी लें, उसके बाद में ये बनाएं। जब आप ये बना रहे हो फोन को दूर रखेंगे और शांति से इसका अभ्यास करेंगे। रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस ये करना होगा, क्योंकि हम बाकी जगह भी करते हैं ना, तो आपको इसमें करोगे, देखो कोई इसमें लागत आपकी नहीं लग रही है, आप ऐसा करने लगोगे तो ये मुद्रा से एक ही फायदे नहीं होंगे, आपको बहुत ढेरों फायदे होंगे। जब आप करने लगोगे 3 महीना आपको इसका अंतर समझ में आएगा। लास्ट मुद्रा है वो है हमारी वरुण मुद्रा। इसके लिए जो ये हमारा जल तत्व है अग्नि तत्व के संपर्क में आएगा। तो ये हमने मुद्रा थेरेपी जो की है 5 तत्वों को बैलेंस किया है, और इससे क्या होगा, जो हमारे तत्व इम्बैलेंस थे वो आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और चेहरे पे प्रसन्नता का एकदम भाव रहना चाहिए। अंदर मन में इधर उधर की अब कोई बात नहीं करनी, जब हम ये बना रहे हैं तो आप ऐसा समय लेके बैठे जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपका काम ना हो, शांति से आराम से आप अपने लिए समय निकालेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक पॉइंट सिंगल आपको मैं बताना चाहूँगी, जिनके पिंपल्स एक्ने सारे इलाज के बाद भी नहीं जा रहे हैं, मतलब सब इलाज कर लिए, उपटन लगा लिया उसके बाद भी, तो आप ये वाला पॉइंट को जरूर कीजिएगा। मतलब यहाँ काला रंग नहीं लगाना है और ये आपको दोनों ही हाथों पर मिलेगा इस जगह पे, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने दोनों ही जगह इसको लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। पहले इसको आप करके देखिए, 3 महीना जो आपके निशान रह गए हैं एक्ने पिंपल्स के वो भी जाएंगे और आपका एक्ने पिंपल्स भी ठीक होगा। तो इसको पहले हम 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ब्योल मैग्नेट यूज़ करने वाले हैं। ब्योल मैग्नेट क्या होती है, ये छोटी छोटी सी होती है, एक साइड वाइट और एक साइड येलो। अब हम यहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे। जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो मूंग या मेथी लगा सकते हैं, बट पावरफुल रिजल्ट आपको मैग्नेट से ही मिलेगा। अब कैसे लगाना है देखिए, ये जो वाइट वाला भाग है ये स्किन पे टच होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक फिंगर में लगा के दिखाती हूँ, और ये आपको दोनों ही फिंगर पे लगानी है ना, ये दोनों ही फिंगर पे आपको लगानी है। रात को खाना खा के 1 घंटे बाद लगा लें, 8 से 10 घंटे ये लगी रहेगी और हर दिन आप यही मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो आज मैंने आपको बताया है। तो और भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप इसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं।